नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करता हूं। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। देर रात सचखंड एक्सप्रेस से अमृतसर लाया गया आतंकी गुरदीप सिंह खैरा को। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर करवाया गया सेमिनार। अमृतसर के एसएल भवन पब्लिक स्कूल में नशे के विरोध करवाया गया सेमिनार। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली और कर्नाटका में बम धमाकों के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आतंकी गुरदीप सिंह खैरा को कर्नाटक की जेल से अमृतसर शिफ्ट कर दिया गया है। देर रात को सचखंड एक्सप्रेस के जरिए खैरा को अमृतसर लाया गया। जैसे ही खैरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसी बीच जिला पुलिस की ओर से की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते गर्मपंथी नेता खैरा को नहीं मिल पाए। इस पर उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देखो जी, भाई गुरदीप सिंह जी खेड़ा बड़े लंबे समय बाद अज पंजाब की धरती से आए हैं। असी समुचे पंजाबियों की तरफों, समुचे पंजाब वसण वाले भाईचारे की तरफों और सिख भाईचारे की तरफों उन्होंने पंजाब आया जी आया आखते हैं। गुरु कृपा करे भाई गुरदीप सिंह जी खेड़ा तो बाकी के साथी जोड़े आ लंबिया जिंदगियां जेल दिया आन अपने समाज में अपने परिवार घर बार अपनी जिंदगी जी है वो बसर कर सकन। ये साड़ी वाहिगुरू अगे अरदास है, साड़ी तमन्ना है। ये प्रशासन मुड़ तो ही साडा विरोधी रहा, सिख विरोधी रहा और इनका रवैया बहुत माड़ा तो घटिया सी। सो असी पंजाब ते आए एक गुरसिख नूं जिहड़ा 25 साल बाद पंजाब च आ रहा सी उसनों सरोपो दे के मानतन करना चाहते सी, पर इस मौके पर प्रशासन ने जिहड़ा रोल अदा किया है वह बहुत माड़ा तो दुखदाई सी। पर असी फिर भी भाई गुरदीप सिंह जी दे आउण दे उत्ते उसका स्वागत करते हैं तो इन्हां दे प्रशासन दे कार्रवाई की निंदा करते हैं। बाकी जिहड़ियां भाई सूर सिंह जी खालसा अते वख वख जथेबंदियों की बनाई हुई जिहड़ी कमेटी है उन्दे वल्लों कीते हुए रोल की बहुत सलाघा करते हैं कि इन्हां ने बड़ी हिम्मत ते दलेरी नाल भाई सूर सिंह खालसा ने जिहड़ी दृढ़ता विखाई है उस दृढ़ता दे नाल ये सिंह जिहड़े आ रिहा होणगे और लोगों में समाज विचरणगे परिवारों च विचरणगे लंबिया जिंदगियां जीणगे। ये साड़ी कामना है, अरदास वाहिगुरू अगे है, बेनती है कि असी तो बाहर जाना चाहते हैं भी बाहर आन वो किहड़े रस्ते राही आने ये साढ़े नालों बेहतर प्रशासन तो बेहतर सरकार समझदी है। असी चाहेंगे सरदार प्रकाश सिंह बादल तो उन्हों का समुचा प्रशासन मनुखी भाईचारे वाला वतीरा अपना तो अपनी जिम्मेवारी निभा। जिहड़ा अज तक सरकारां ने लंबे समय तो गलत रोल अदा किया कि उन्होंने अपनी बनती सज़ा तो वध जेलां च रखिया उनकी माफ़ी मंगनी भी चाहिए है तो उनकी माफ़ी इस चीज़ के विच भी होएगी कि जेकर वो इन्हां नूं हुण जल्दी तो जल्दी रिहा करन उन्हां दा पश्चाताप इस नूं समझा जाए। पहले प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह बुल्लर और फिर कर्नाटका की जेल से आतंकी गुरदीप सिंह खैरा को अमृतसर की जेल में शिफ्ट किए जाने पर भाजपा नेता प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला की ओर से व्यक्त की गई नाराजगी पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा और गुलजार सिंह रणिके ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों का मानना है कि पंजाब में जैसी शांति और अमन का माहौल है वैसा माहौल तो अमेरिका और कैनेडा में भी नहीं है। उनके मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने हमेशा पंजाब के हितों और अमन शांति के लिए काम किया है। दोनों मंत्री सचखंड श्री हरिमंदर साहब में नतमस्तक होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, इतने गुरु महाराज की मेहर है, सच्चे पातशाह की बहुत मेहर है, जिहड़ा भी सरकार काम करती है सोच समझ के करती है। सर प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री पंजाब बहुत सियाने तो सुलझे हुए ने, तुहानू पता भी उनकी सेहत किन्नी खराब है तो उहदे लई जरूरी सी, सो कोई खतरा नहीं, सारा कुछ समूथ है। जिन्ना पंजाब दे विच अमन शांति है मेरा ख्याल है सारी दुनिया दे विच किते नहीं, अमरीका च भी इन्ना है नहीं, कनेडा च भी इन्ना है नहीं, बाकी तो होना कितें। देखो गुरु अगे यही अरदास करदा सच्चे पातशाह, जिहड़ा पंजाब है ये पंजाबियों की धरती है, गुरु पीरां की धरती है, इत्थे बहुत बड़िया बड़िया कुर्बानियां होंगे परमात्मा अगे गुरु अगे ये सब तो बड़ा घर है। यही अरदास करते हैं कि इस तरह मेहर प्रयास रखे, अमन मान रहे, शांति होवे, तरक्की होवे, पंजाबी सारी दुनिया च बसते रहन, तरक्की करन, यही गुरु अगे अरदास। पहली गल तो जिहड़ी सिख कौम है वह शांति की प्रतीक है, वह कितें भी नहीं चाहती कि बंदा बने
गुरु नानक साहब ने सानू विरसे दे विच ही दस्या कि सरबत दे भले की गल सरबत दे भले की यही गल करते हैं कि इसे नूं भी बाहरों आने ते किते भी कोई खतरा नहीं क्योंकि सिख कौम यही जी है कि सारयां दा भला चाहुंदी है सरबत दे नाल लेके चलना चाहुंदी है और एकता दे प्रतीक है शांति दे प्रतीक है तरक्की दे प्रतीक है शांति दे प्रतीक है इस करके कोई यही जी गल नहीं की भी। आज अमृतसर के एस एल बाउंड पब्लिक स्कूल में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड इलीगल ट्रैफिकिंग के संबंध में प्रोग्राम करवाया गया। इस प्रोग्राम में एडीसीपी ट्रैफिक श्री द्रुमन निम्पले मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए। इस प्रोग्राम के दौरान नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टाफ की तरफ से नाटक मिट्टी रुंदन करेगी की पेशकारी की गई। इस अवसर पर एडीसीपी श्री निम्पले ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह नशे पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस का सहयोग दें ताजो इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इस अवसर पर श्री अविनाश महेंद्र डायरेक्टर एस एल भवन स्कूल, श्रीमती अनीता बल्ला प्रिंसिपल श्री एस एल भवन, श्रीमती शबनम हांडा प्रिंसिपल पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल और गणमान्य हस्तियां उपस्थित थी। मेन मोटिव ये था कि 26 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि आज से हम इसको एंटी ड्रग अब्यूज डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सांझ केंद्र और पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने डीएवी स्कूल में एक फंक्शन रखा था जिसमें एक बढ़िया सा नाटक ड्रामा एक स्कीट और कुछ बच्चों के द्वारा उसके बारे में ड्रग अब्यूज़ के बारे में बहुत अच्छी इनपुट दिए गए। अवेयरनेस देखो अवेयरनेस का ऐसा है कि अवेयरनेस इज ऑलवेज हमेशा ज़रूरी है। होता ये है कि जो जो बच्चे हैं वो समाज को उन्होंने उतना देखा नहीं होता, उनको कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चों को इस चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाए। वेदर वो ड्रग अब्यूज़ क्योंकि इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार इसमें अगर इसमें आ गया तो उसको बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट, उसको डीएटी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उसके हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस बारे में अवेयर करें। सिटीज़न हमें इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे उनको लगता है कि ड्रग या किसी भी तरह का गलत काम हो रहा है उसकी इनपुट पुलिस को दें। आज विश्व नशा विरोधी दिवस है। इस मौके पर देश और दुनिया भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में आज बीएसएफ के द्वारा एक विशेष मुहिम की शुरुआत की गई जिसमें कि सीमावर्ती इलाके के गांवों में लोगों को बीएसएफ के साथ जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके साथ ही एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन सरहदी इलाके में किया गया जहां पर एक विशेष नाटक का विमोचन किया गया जिसमें कि नाटक के माध्यम से लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि नशे से कौन कौन से नुकसान होते हैं। देखिए बीएसएफ वालों लगातार उपराले किए गए ने बॉर्डर से एक सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाने लोगों का सहयोग लेने ली। तकरीबन 1.5 साल तो साड़ी मुहिम बड़े शिद्दत नाल चल रही है। ये आज इंटरनेशनल ड्रग डे होण करके साडे वालों आज एक नाटक इत्थे कराया गया। इस नाटक की थीम हैगी कि जिस तरीके नाल बच्चे नशे दा शिकार हो जाते हैं उन्होंने एक नवा राह दिखाया जाए, उन्होंने दस्या जाए कि जिंदगी जिहड़ी है अगे वध सकदी है, वो नशे तो छड़ाए जा सकते हैं, नशा छड्या जा सकता है, तो नशे के जिहड़े सौदागर ने उन्होंने खिलाफ साडी मुहिम जिहड़ी है वो किस तरीके नाल अगे वध रही है। सानू नशे के जिहड़े सौदागर ने उन्होंने तो नफरत करनी चाहिए तो किस तरीके नाल उन्हें समाज च पहचान के अड करना चाहिए, इहदी लगातार साड़ी मुहिम चल रही है। तो इहदे विच साड़ी आज ये प्रस्तुति सीगी ते मैनू बड़ी खुशी हैगी कि जिस शिद्दत नाल आपां इहनूं शुरू कीता सीगा वो उसी शिद्दत नाल आगे वध रही है। तो मैनू आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि साड़ी ये जिहड़ी मुहिम हैगी वो पूर्णता लोकां दे सहयोग नाल कामयाब रहेगी। आईटीएल वालों भैन जी दे पिछले कई सालों तो लगातार मना रहे हैं। अज इत्थे आउण दा मकसद सिर्फ इहो ही सी कि अगे भी अटारी दे काफ़ी स्कूलों च अही कर चुके हैं। मेन अज 26 तरीक का महत्व होने कारण कराया गया। सिर्फ इतने लोगों से पहले नालों जो पहली बार किया इन्ना उत्साह नहीं सी, पर अज देखिया काफ़ी उत्साह यह देख के इतों का माहौल लगता है कि जी मुहिम शुरू की थी भैन जी ने नशा छुड़ाओ वो अपने सही रस्ते पर पै गई है। लोगों का काफ़ी उत्साह बीएसएफ वाल दा पता लगा कि बॉर्डर से भी नशा आना घट गया, कुछ लोगों चुन आप भी उत्साह आ गया पिंड पंचों सरपंचों नाटक देख के कि हूँ लोग नशे तो परे हटन लग पे। जल सप्लाई और सैनिटेशन विभाग पंजाब की तरफ से गुरु नानक भवन अमृतसर में स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ समागम करवाया गया। इस समागम का मुख्य लक्ष्य लोगों को भारत मिशन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना और पंजाब के सारे गांवों को खुले में शौच मुक्त करवाना है। इस समागम का शुभारंभ पंजाब के जल सप्लाई व सैनिटरी विभाग के उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा ने अपने कर कमलों से किया। समागम में सरदार गुलजार सिंह रनी के पशुपालन मंत्री और वीर सिंह लोपो के चेयरमैन जिला योजना कमेटी अमृतसर में विशेष तौर से
शिरकत की। सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा ने बड़ी गिनती में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में पूर्ण योगदान देने पर जोर डाला। उन्होंने लोगों को अपने आसपास को साफ सुथरा रखने व खुले में शौच न करने की सौगंध भी दिलवाई। इस अवसर पर सभी उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। देखो सब तो बड़ी गल ते खुशी की गल है अज का दिन मेरे लिए। अज गुरु की नगरी गुरु रामदास जी की आने का मौका लगे। मैं साढ़े मंत्री साहब का प्रधान साहब का बहुत धन्यवाद करदा कि इन्होंने एक मौका दिता इतने आने का। स्वच्छ भारत की जी शुरुआत है अज असी गुरु की नगरी तो शुरू कर लगे। तो जिथे तक काम की गल है या शिकायत की गल है कली कली शिकायत सुनांगे भी। जिथे कोई माड़ी जी भी नुकस होगा उत्थे उसकी इनक्वायरी होगी उन्हें सज़ा मिलेगी। जिहड़ा वधिया काम मिलू करेगा उन्हें शाबाशाही मिलेगी। जिहड़ा कोई गलत काम करेगा उसकी उन्हें सज़ा मिलेगी। साड़ी कोशिश है कि जिहड़े काम नूं सानूं बहुत लम्मा टनोर हो गया। साडे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यह 5-6 साल का प्रोजैक्ट रखिया है। साड़ी कोशिश है असीं इहनूं 2 साल दे विच खत्म करना। उहदे विच कामयाब तां हो सकदे आ जे प्रैस भी साडी मदद करे, लोग भी साड़ी मदद कर, साड़ी अफसर सहबान सारी टीम बन के आप एक कम करिए। क्योंकि मैं चाहना कि हिंदुस्तान दे विच पंजाब पहला सूबा होवे जिहड़ा आप ओरिए कह सकते हैं कि सारे घरां दे विच चंगा पीना साफ सुथरा पानी मिलता। कोई घर साडा इहो जिहा नहीं रहा जिथे पानी साफ सुथरा ना हो, कोई घर इहो जिहा नहीं है जिथे फ्लश ना हो। यह साडा एक टारगेट है, एक सोच है और मैनूं उम्मीद भी है जिहड़ा उत्साह है साडे लोगों के बहुत उत्साह है। तो वह उत्साह के ना असं कामयाब भी होवे। तुम देखोगे असी 2 अक्टूबर में एक फिर बड़ा स्टेट लैवल का फंक्शन करना। वो असी काफ़ी पिंड यह जे हो गए जो बिल्कुल ही ODP हो गए। सर मैं तुम्हें एक बेनती करना भी जो एको गल मुकाती कि असी जो पिट बना ली उन्होंने 6000 रुपया जिन्हें टॉयलेट बनाई है उन्होंने दे देना। उस तो बाद जो टॉयलेट बना ली पूरी उन्होंने 9000 दे देना। वो असी कोई गुंजाइश छड़ी नहीं, कोई ठगी ठोरी हो जाए। मैं तो पहला कहा कि असी सोच ही लैके चलते हैं कि सरकारी महकमें के ठगी ठोरी ज़्यादा होंगी है, ईमानदारी घट होंगी है। पर असी इन्ना पारदर्शी काम किया है कि जिते एक नवे पैसे की भी कोई गुंजाइश नहीं। पर फिर भी जो हो जाए वो तो खैर गुरु महाराज दिया परमात्मा दिया, पर साड़ी कोशिश जरूर है कि असी पूरा ईमानदारी से ध्यानदारी देना काम। पहला तो मैं अज रखड़ा साहब का पवित्र इस धरती से आया तो जिया कि धन्यवाद करदा कि जिन्होंने बीड़ा चक्या एक प्रोजेक्ट बनाया कि गरीबों दियाँ जिहड़ियां फलशां ने जिन्ह की अच्छ बहुत वड्डी लोड़ आ। साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार सुखबीर सिंह साहब ने तो साहब प्रकाश सिंह बादल जी ने जिन्होंने उन्होंने अगुवाई के थले प्रोजेक्ट जोड़ा चल रहा। तो अज हलका अटारी तो इतों पवित्र इस धरती तो माझी दी तो शुरू हो जा रहा। मैं इन्हों का धन्यवाद करदा इन्हों सारे अफसर साहबाना का इन्हों की टीम का इन्हों का अमृतसर आते हल्का समुचे अटारी हल्के वालों और जिले वालों सहबीर सिंह लोपोक साढ़े जिले के प्रधान भी उत्थे बैठे उन्होंने भी और नाल जिहड़ी तुसीं गल कीती आ भी जिथे पंचायतां जिहड़ी है सही तरह वरतों नहीं करदियां। सारे साढ़े हुण करीब करीब सारे जिन्हें साढ़े MLA साहबान ने जां वजीर ने जां जिम्मेवार बंदे ने उह सारे अफसरां नूं CM साहब नूं सख्त दत्तां ने भी जिन्ने पैसे तुसीं 2 लाख वरतदे हो 3 लाख वरतदे हो उहदियां यूसियां भी नाल लो, उहदे वरतों सर्टिफिकेट भी नाल लो। मेरे वल्लों आम चिट्ठी तिने मैं क्वार्टरली चिट्ठी कढ़दा भी 3 महीनों बाद DC साहब नूं चिट्ठी आउंदी कि उह सारे अफसरां नूं दत्ता करन कि उहदी जिहड़ी वरतों सर्टिफिकेट ने जिहड़े पैसे लग गए सही मणे च और टैक्नीकल हैंड जिहड़ा बंदा जिहड़ा पंचायती राज दा एक्सपीरियंस है उहदे कोल इनक्वायरी करा के तो उहदी UC लैके अगले पैसे फिर शुरू करन। इस करके असीं आप भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। तुहाडी गल ठीक है, तुहाडा खर्चा भी ठीक है। पैसे जिहड़े जिहड़े स्कीम थले जिहड़ी जिहड़ी थले भी आउंदे आ वो पूरे दे पूरे लगन तां जो विकास पंजाब दा पिंड दा विकास जिहड़ा वधिया हो सके। वो असीं इस काम च पूरा ध्यान भी दे रहे हैं। तो मैं सारे अफसरां नूं दैतां भी हैं सारे पंजाब सरकार नूं साडे वल्लों भी कि वो समय समय उहदियां ड्यूटियां देण तो काम भी सही ढंग नाल करन। सारे सरपंच साहिबानां नूं भी इह गल कही कि सरपंच साहिबान आप भी ध्यान देण। ईवन मैं तो इत्थों तक भी कहा कि जिहड़े साडे जहदार साहिबान ने सरकारां दे प्रधान ने ईवन ब्लाक समिति दे मैंबर ने जिला परिषद दे मैंबर ने वो भी नाल पंचायतां नाल सहयोग करके नाल आप अपने पिंडां च आप अपने कमां च आप अपने एरिए च नाल सहयोग करके उन्हां दे काम वाले ध्यान देण तां जो लग सके। अगे रखड़ा साहब दस के अड़े आ रूलों तो कोई भी हिंदुस्तान का बंदा बाहर नहीं जा सकता। इंडिया के जिहड़े साडे भारत के रूल ने ना जिहड़े नियम ने 86 बंदे की 24 घंटे की सेवा ड्यूटी अही अफसर नहीं गए अही भी अही जवाब लोगों को दे देंगे। सानू रात को किसी को जाना पैना तो
उधर रात में तुर पैना पता नहीं आपां नूं हो की है। मैं तो बहुत अच्छी सरकार खत्म आ सानू तो गाइड लेना हो दया करो कि चंगी जान दिया घरेलू भी आप लैके तुर पीने उधर उधर दलां अजि रूलों तो बाहर जो सरकार भावें व्डे तो व्डा कोई लीडर नहीं जा सकता इस करके साड़ी कोई लिमिट नहीं गई अही अही तो के मैंने किसी ने उन्हें कहता भी तुम दिल्ली को तुरना जी मैं ना नहीं कर सकता कोई भी बंदा रूलों तो बाहर तुम नहीं जा सकता आप कर देने लग देने सिस्टम तो बाहर कोई बंदा नहीं इंडिया के सिस्टम तो बाहर कोई बंदा नहीं कैदे कानून से जा सकता सारा इस तरह। मानयोग पुलिस कमिश्नर सरदार जतेंद्र सिंह ओला के दिशा निर्देशों अनुसार बुरे अंसरों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में डीसीपी श्री परमपाल अमृतसर की योग अगुवाई में एडीसीपी सिटी 2 श्री केतन पाटिल व एसीपी वेस्ट श्री दीपक हिलोरी की हिदायतों के मुताबिक थाना शेराटा की पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई जब एएसआई हरजिंदर सिंह और उनकी पुलिस पार्टी की तरफ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो ऑटो में सवारी बिठाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। एएसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि उक्त 3 आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपियों से 1 कैच 3,000 रुपये नकद और 1 सैमसंग का मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन पर लूटपाट का केस 379B IPC की धारा 34 के दौरान थाना शियाटा में केस दर्ज कर लिया गया है। उक्त आरोपियों को बरीकी से जांच की जा रही है जिसमें और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस स्टेशन शियाटा के एफर्ट्स के बाद एक 3 मेंबर गैंग ऑटो में जो सवार को ऑटो में बिठाकर उनको सुनसान एरिया में लेकर उनका लूटपाट करने वाले गैंग को पकड़ा है। इस गैंग में 3 मेंबर्स हैं नरेंद्र प्रिंस गुरप्रीत। ये रात के समय या तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन सवारी को बैठाते हैं फिर उनको सुनसान एरिया में ले जाते हैं उनके साथ वारदात करते हैं। इनसे 3 मोबाइल फ़ोन और 3,000 रुपये रिकवरी होंगे। इसमें नरेंद्र और गुरप्रीत पे पहले भी स्नैचिंग के पर्चे दर्ज आएंगे पहले भी वारदात करते हैं नशे के भी आदि हैं और मोस्टली जो नशे की जो जरूरत होती है उसको पूर्ति करने के लिए वारदात करते हैं। एक बार फिर नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देर रात सचखंड एक्सप्रेस से अमृतसर लाया गया आतंकी गुरदीप सिंह खैरा को। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर करवाया गया सेमिनार। अमृतसर के एसएल भवन पब्लिक स्कूल में नशे के विरोध करवाया गया सेमिनार। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। कल तक के लिए दीजिए इजाजत।